तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अफसर अर्न टेक। मैं हूं अफसर शेख, मैं लाता हूं आपके लिए अर्निंग टेक और यूट्यूब हेल्प रिलेटेड वीडियो। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो है एक अट्रैक्टिव कैची थंबनेल कैसे बनाएं। ठीक है, क्योंकि जो थंबनेल होता है वो होता है मेन, क्योंकि लोग आपका थंबनेल देख कर ही आपके वीडियो पर क्लिक करते हैं। तो मैं आपको ये बताऊँगा कि एक अट्रैक्टिव थंबनेल कैसे बनाएं। अगर आपके पास सिर्फ स्मार्टफोन है तो उसी स्मार्टफोन से आप थंबनेल बना सकते हैं। तो वो थंबनेल कैसे बनेगा, उस पर क्या मतलब एडिटिंग करनी पड़ेगी, फ़ोटो कहाँ से एडिट करें, ये सब चीज़ जो है वो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर ले जाता हूँ। वहाँ पर जाकर आपको बताऊँगा कि कैसे एक अट्रैक्टिव कैची थंबनेल बना सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। और उस ऐप के आपको कोई पैसे, मतलब बहुत सारी पेड ऐप भी होती है लेकिन उसके आपको कोई पैसे नहीं देने, वो लाइफ टाइम आपको फ्री मिलेगी और उसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर भी आपको मिलेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं उस ऐप मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो यहाँ मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप एक थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं, आपको क्या क्या किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको ज़रूरत पड़ेगी एक ऐप की और गूगल क्रोम की। तो वो कौन सा ऐप है मैं ले जाकर आपको दिखाता हूँ। तो वो ऐप है पिक्सल लैब, आपने सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो फिर आज देख लीजिए। ये आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो जाएगा, पिक्सल लैब। हाँ, तो इस पिक्सल लैब को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, मैंने इंस्टॉल ऑलरेडी कर रखा है। तो जब आप पिक्सल ऐप को ओपन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा आपको। तो देन ये जो टेक्स्ट है इसको आप डिलीट कर दीजिएगा, डिलीट बटन पर है। तो देन आपको जो है ना एक बैकग्राउंड चाहिए, आप कोई से बैकग्राउंड ले सकते हो, वाइट हो, ब्लू हो, रेड हो, या फिर कोई अलग इमेज हो। तो मैं जो है वाइट बैकग्राउंड का ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो चलिए वाइट बैकग्राउंड ले लेते हैं। तो आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके यूज़ इमेज फॉर गैलरी करना पड़ेगा। देन वहाँ जाकर आप जहाँ भी आपके पास वो बैकग्राउंड पड़ा होगा वहाँ से आप ले सकते हैं। तो मेरे व्हाट्सएप पे पड़ा है शायद, देखते हैं। चलिए मिल गया। तो नीचे जो रेशियो दिख रहा है ना आपको, उसमें 16:9 जो है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको ओके करना पड़ेगा राइट पे। तो देन दोस्तों, हमारा बैकग्राउंड तो आ गया, अब हमें इसमें इमेज चाहिए। ठीक है, और कुछ हमें लिखना पड़ेगा। तो अब इमेज कैसे लाएं, तो इमेज हमारी गैलरी में है, तो मैं दिखाता हूँ आपको पहले ले जाकर कि हम कौन से इमेज में लगाने वाले हैं। तो ये दोस्तों, ये देखिए, ये इमेज में लगाने वाला हूँ, लेकिन ये जो इमेज है इसका जो बैकग्राउंड है ये ऐसा तो हम लगा नहीं सकते, ख़राब लग रहा है। तो इसको अभी हमको बैकग्राउंड को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो बैकग्राउंड जो है हम वो रिमूव कैसे करेंगे, तो उसके लिए चलते हैं हम गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पर जाकर हम एक वेबसाइट का यूज़ करेंगे। तो उस वेबसाइट का नाम है remove.bg, मतलब रिमूव बैकग्राउंड। ठीक है, तो remove.bg मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में भी, और ऊपर भी आप देख सकते हैं, या remove.bg आप लिखकर सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर अपलोड इमेज दिख रहा है आपको, तो अपलोड इमेज पे आपको क्लिक करना है। तो देन उसके बाद आपको ब्राउज पे जाना है। ब्राउज पे जाने के बाद आपका जो फाइल है वो कहाँ है आपको देखना है। तो मेरा जो फाइल है वो गैलरी में। ठीक है, तो मैं यहाँ से इमेज पे सिलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पर कैमरा सिलेक्ट करूँगा, कैमरा। ठीक है, तो आपका जहाँ पर भी हो वीडियो, ओ सॉरी फ़ोटो, तो मैं ये वाला जो है वो चूज़ करूँगा। इस फ़ोटो को मुझे लगाना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा पूरा जो बैकग्राउंड है वो डिलीट हो गया, वो साफ़ हो गया एकदम। ठीक है, तो अब हम यहाँ से डाउनलोड बटन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेंगे।
ठीक है, तो हमारे यहाँ डाउनलोड हो गया, दिखा रहा फाइल डाउनलोड ओपन। तो चलते हैं हम अब पिक्सल लैब के ऐप पर, वहाँ जाकर इस इमेज को ले लेते हैं। तो अब हम यहाँ प्लस के जो आइकन दिख रहा है आपको लेफ्ट में, प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और फ्रॉम गैलरी पे जाएंगे। वहाँ जाकर हम फिर थ्री डॉट पे क्लिक करके डाउनलोड पे जाएंगे। ये देखिए हमारे जो फोटो यहाँ आ गया। तो अब हम इसे अपने हिसाब से सेट करते हैं। ठीक, तो ये हमने फोटो ले लिया। अभी से हम थोड़ा सा कस्टमाइज़ करके अपने हिसाब से यहाँ पर हमने इसे को लगा दिया। ठीक है, चाहे तो हम थोड़ा साइज और बड़ा कर देते हैं इसका। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने लिख लिया टेक्स्ट एक। ठीक है, प्लस आइकन पे क्लिक करके टेक्स्ट लिख लिया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाएं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यूट्यूब थंब नेल कैसे बनाएं। ठीक है, देन उसके बाद हम एक क्वेश्चन मार्क दे देते हैं इस पर। ये अच्छा लग रहा है थोड़ा। अब ये क्या हुआ है कि ये लंबा हो गया, हमें थोड़ा शॉर्ट करना था। हम इस पर टेबल टैप करेंगे और यूट्यूब थंबनेल का देख इंटर दे देंगे। अब देखते हैं कैसा लग रहा है। अब थोड़ा ठीक है, से नीचे करके थोड़ा सा खींच खींच के इसे सेट करते हैं। तो यूट्यूब थंबनेल है, कैसे जो है कैसे के बाद जो बनाए हैं वो अलग रखते हैं हम थोड़ा। कैसे के बाद एक इंटर दे के देखते हैं कैसा लग रहा है। तो ये जो है ना, ये इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। तो इस पर हम क्या कर सकते हैं, सबको अलग अलग हम लिखते हैं। ठीक है, पूरे इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम अलग अलग लिखेंगे, देखना कितना मस्त लगेगा। ठीक है, यूट्यूब हो गया। अच्छा, पहले इसमें एक ही सेटिंग कर लेते हैं, उसको हम फिर कॉपी कर लेंगे। ठीक है, जैसे हम यूट्यूब की सेटिंग कर लेते हैं, इस पर हम जो कलर डालते हैं वो डालते हैं हम ब्लैक। ठीक है, यहाँ से उसे स्टाइल में जाके हम बोल्ड कर लेंगे। देन अब हम इसे शेडो में जाएंगे, इस पर शेडो लगा सकते हैं हम, इसके पीछे येलो कलर लगा देंगे। ठीक है, देन स्ट्रोक कर देंगे, इससे और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर ये आ गया यूट्यूब। ठीक है, तो अब हम इसे कॉपी कर लेते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे थंबनेल। ठीक है, तो ये आ गया यूट्यूब थंबनेल। अब यहाँ पर हम कॉपी कर लेते हैं इसको फिर से। यहाँ पे लिखेंगे कैसे। ठीक है, ये हो गया कैसे के बाद। अब बनाए, अब लिखेंगे हम बनाए। बनाए को जो है ना, वो थोड़ा सा बड़ा करना, मतलब वही तो मेन है, उसको थोड़ा आपको बड़ा करना पड़ेगा। बनाए के बाद अब एक क्वेश्चन मार्क दे दो, देन ये यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, एक यूट्यूब का लोगो जो है वो लगा देंगे। ठीक है,
तो यूट्यूब का लोगो डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम गूगल क्रोम पे चलते हैं, एक मिनट रुक, एक क्रोम पे चलते हैं। चलिए मैं एक न्यू टैब ही ले लेते हैं। न्यू टैब लेकर हम यहाँ पे लिखते हैं यूट्यूब। मैं सब वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी दोस्तों, लेकिन आप जो है ना स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको जो है अच्छे समझ में आएगा और आप जो है ना मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा यूट्यूब का लोगो है, समझ लीजिए हम ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड इमेज, ठीक है। तो डाउनलोड हो गया, अब वहीं चलते हैं अपने ऐप पर। यहाँ पर हम फिर गैलरी में जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास आ गया। तो हम इसे थोड़ा सा जो सब वाइट वाइट है ना, ये थोड़ा सा माटा क्रॉप कर देंगे ताकि जो वाइट वाइट है वो ना आए। ठीक है, तो यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाए देखिए दोस्तों, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो अब हम इसे सेव कर देते हैं, यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करके एक्सपोर्ट इमेज पे क्लिक कर देते हैं, सेव टू गैलरी। जो है गैलरी में आ गया होगा, देखते हैं। ये देखिए दोस्तों यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाए, गैलरी में आ गया। देखिए कितना अट्रैक्टिव और मस्त लग रहा है। तो आप अपने हिसाब से जो है उन ऑप्शन का यूज़ करके आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कितना इजी है एक थंबनेल बनाना, एक या दो मिनट लगा मुझे और मैंने आपको थंबनेल बनाकर दिखा दिया। तो आप भी अपने वीडियो पर ऐसी कैची थंबनेल बनाइए और व्यूज़ गेन कीजिए। तो अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक एक कमेंट कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं फिर से ऐसी एक हेल्पफुल वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।